इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पावर एक्टर पवन सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह की एक अलग ही फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। जहाँ दोस्तों आपको पवन सिंह के गाने का हर कोई दीवाना है। जहाँ दोस्तों उनके द्वारा गाए गए गाने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचाते हैं। जहाँ दोस्तों आपको यही कारण कि भोजपुरी दर्शकों के बीच भी पवन सिंह के गानों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। दोस्तों आपको भोजपुरी संगीत की दुनिया में धूम मचाने के बाद पवन सिंह अब हिंदी संगीत की दुनिया में भी धमाका करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको सुपरस्टार पवन सिंह कमरिया हिला रही गाने के जरिए हिंदी संगीत की दुनिया में धूम मचाने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको कमरिया हिला रही गाना होली बेस गाना है, जहाँ यह एक होली संगीत है। तो वही दोस्तों आपको कमरिया हिला रही गाने का निर्माण जे जस्ट म्यूजिक कंपनी के मालिक जेके भगनानी जी ने किया। दोस्तों आपको जेके भगनानी जी ने दावा किया है कि कमरिया हिला रही गाना साल 2020 का सबसे सुपरहिट गाना होने वाला है। जहाँ दोस्तों इस गाने को लेकर पवन सिंह भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको कमरिया हिला रहे गाने का प्रोमो ने ही सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। वही दोस्तों कमरिया हिला रही गाने के कोरियोग्राफर हैं मुजसर खान जी। जी हाँ दोस्तों आपको कि बॉलीवुड में कई बड़े गानों के कोरियोग्राफर कर चुके हैं मुजसर खान जी ने इस गाने का कोरियोग्राफ किया है। तो वही दोस्तों आपको कमरिया हिला रही गाने में पवन सिंह के साथ पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में अमेरिकी डांसर लॉरेन गॉटलिब अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों आपको कि बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी लॉरेन गॉटलिब पहली बार कमरिया हिला रही गाने में पवन सिंह के साथ अपने डांस का जलवा बिखेरते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको 24 फरवरी को जे जस्ट म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों आपको कि कमरिया हिला रही गाना एक होली बेस्ड गाना है। जी हाँ दोस्तों आपको कि होली को ध्यान में रखते हुए इस गाने को गाया गया है। तो दोस्तों आप भी जाइए और इस गाने को जे जस्ट म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर 24 तारीख को जरूर सुनिए। तो दोस्तों पवन सिंह का यह पहला हिंदी गाना आपको कैसा लगा हमारे कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है।